अगर आपको ट्रिपल एच पावर दे कि किसी एक सुपरस्टार को आप रिटायर कर सकते हैं तो आप किस सुपरस्टार को रिटायर कीजिएगा? ये सवाल दोस्तों आज का मेन सवाल है जिसका जवाब दोस्तों मैं शुरू में चाहूंगा। आज की वीडियो दोस्तों काफी धांस होने वाली है जिसके अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं लूनाटिक फ्रिंज, डीन एम्ब्रोस, रोमर रेंस की। तो होप करूंगा दोस्तों आप इन दोनों के नाम से वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो का जो लाइक टारगेट है दोस्तों आप थोड़ा सा हाई रखेंगे, वो रखेंगे दोस्तों हम 2500 लाइक का, वो आप कंप्लीट करवा देंगे, मुझे पूरी पूरी होप है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मैकडाउन की, उसके बाद खबरों को हम कवर करेंगे काफी आराम से। सबसे पहले बात की जाए कल होने वाले स्मैकडाउन की, कल दोस्तों हम लोगों को स्मैकडाउन देखने को मिलने वाली है और ये कोई आम स्मैकडाउन नहीं रहने वाली है, ये रहने वाली है द रिटर्निंग स्मैकडाउन। रिटर्निंग स्मैकडाउन इसलिए क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको बड़े बड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, जहां दोस्तों जो सबसे पहली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगा दोस्तों ब्रे वायट का टीजर। तो ब्रे वायट दोस्तों हर हफ्ते टीजर दे रहे हैं, कल स्मैकडाउन की शुरुआत में हम लोगों को ब्रे वायट की तरफ से एंट्री देखने को मिल सकती है, जहां दोस्तों फिर से उन्हें अंकल हाउडी परेशान करते हुए नजर आ सकता है। ब्रे वायट दोस्तों काफी बड़ी मिस्ट्री लेकर आए हैं और उनकी जो स्टोरी लाइन है काफी लंबी जाएगी, ऐसे अपडेट्स है, देखना होगा ये कल ब्रे वायट क्या करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है दोस्तों हमारे रे मास्टर एरियो का मैच। रे मिस्ट्री लास्ट वीक दोस्तों लुडविक को फेस किए थे, इस हफ्ते मुझे क्या लगता है वो विंची को फेस करेंगे, जिसके बाद दोस्तों उन पर इंपीरियम अटैक करेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वो काफी ह्यूज है और ये होने जा रहा है दोस्तों रोंडा राउजी का ओपन चैलेंज। यहां पर बिल्कुल सही सुना, रोंडा राउजी दोस्तों ओपन चैलेंज रख चुकी है कल की स्मैकडाउन में दोस्तों रिंग के अंदर आने वाली और उन्हें कोई दोस्तों फेस करेगा। मेरे हिसाब से यहां रिटर्न हो सकता है शार्लेट फ्लेयर का, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो शार्लेट फ्लेयर है वो अपने रिटर्न को लेकर दोस्तों 100% क्लियर हो चुकी है, ऐसे में हो सकता है उनके इस ओपन चैलेंज को हमारी फॉर्मर वुमन चैंपियन आकर एक्सेप्ट करे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वो रहेगा दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन का क्लोज लाइन धरना ओमास को। लास्ट वीक दोस्तों जो ओमास है उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को धक्का देकर रिंग से निकाल दिया और कहीं ना कहीं ब्रॉन के मन में ये चीज तो होगी होगी कि जैसे स्मैकडाउन में उनकी बेइज्जती हो रखी है वैसी बेइज्जती वो ओमास की भी करे। कल दोस्तों ये चीज हो सकती है कि फिर से इनका फेस ऑफ हो, लेकिन इस बारी इक्वेशन डिफरेंट हो, जहां इस बारी ब्रॉन स्ट्रोमैन ओमास को रिंग से बाहर करे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगा दोस्तों सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग और यह रहेगा दोस्तों कैरियन क्रॉस का रिप्लाई। तो ड्रू मैकइंटायर ने दोस्तों ये चीज कह दी है कि क्लैश ऑफ द कासल में वो फेस करने वाले कैरियन क्रॉस को एक केज मैच में, लेकिन इसका दोस्तों अभी तक रिप्लाई नहीं दिए कैरियन क्रॉस और कैरियन क्रॉस दोस्तों कल इसका रिप्लाई दे सकते हैं। अगर तो दोस्तों ये रिप्लाई उन्होंने रिंग में दिया तब तो समझिए ब्रॉल पक्की ही पक्की। बात की जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की फ्राइडे स्मैकडाउन का रहने वाला है वो है दोस्तों हमारे अपने द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न। तो रोमन रेंस दोस्तों दो हफ्तों की छुट्टी के बाद रिटर्न करने वाले हैं। एज वी नो दोस्तों की जो जे उसो है उन्होंने लास्ट वीक रोमन रेंस के आदेश की अवहेलना की थी, वहां दोस्तों रोमन रेंस ने कह रखा था कि लोगन को कोई भी जाकर नहीं छेड़ेगा, लेकिन जे ने जाकर छेड़ा और वहां दोस्तों उल्टा ब्लडलाइन की बेइज्जती होगी जब दोस्तों लोगन ने नॉकआउट कर दिया जे को। तो ऐसे में दोस्तों कल जे उसो के ऊपर रोमन रेंस अटैक कर सकते हैं, ये अटैक दोस्तों वर्बली देखने को मिल सकता है, फिजिकली दोस्तों शायद वो उन पर अटैक ना करे, लेकिन हाँ अपनी बातों से दोस्तों जे उसो पर तगड़े प्रहार कर सकते हैं। ये चीज भी हो सकती है कि सेमी ज़ेन वहां कोने में बैठे मुस्कुराए, जिसके बाद दोस्तों जे का और भी ज्यादा गुस्सा भड़क जाए। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों कल होने वाली है भाइयों में लड़ाई। बात कर लेते दोस्तों आप आज की इस वीडियो के सेकंड टॉपिक की, यानी कि हमारी खबरों की। तो आज सबसे पहली खबर जो आज के हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों टॉप 150 वुमन सुपरस्टार से। तो मैंने आपको दोस्तों अपनी एक वीडियो में जो कि लगभग एक डेढ़ महीने पहले मैंने बताई थी, बताया था कि PWI वालों ने लिस्ट निकाली है टॉप सुपरस्टार्स की और उसमें दोस्तों रोमन रेंस ने टॉप किया था, लेकिन महिलाओं की लिस्ट दोस्तों जो आज निकली है वहां WWE की किसी भी महिला ने टॉप नहीं किया है। हालांकि दोस्तों यहां जो नंबर वन पर है वो सयुरी करके हैं, जो कि दोस्तों कहीं स्टारडम में फाइट करती है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एशियन सुपरस्टार है। नंबर दो पर है दोस्तों हमारी अपनी बियांका ब्लेयर, तो नंबर दो ही सही, यहां दोस्तों बियांका और टॉप 10 में आ चुकी है। नीचे आप पढ़ सकते हैं AEW की थंडर रोजा है, उसके बाद बैकी है, उसके बाद फिर से AEW की जेड है, कुल मिलाकर लिस्ट आपके सामने है। और यहाँ दोस्तों मैं चाहता था कि बियांका दोस्तों टॉप करे, लेकिन वो नहीं कर पाई, लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे क्या लगता है नेक्स्ट ईयर तक बियांका जो टॉप कर देगी। बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, इससे अगली न्यूज़ जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों बूगी मैन से। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो बूगी मैन है वो WWE में आना चाहते हैं, वो दोस्तों दबंग में बुलाए तो गए थे, लेकिन
दबंग से ज्यादा दोस्तों करना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों बुगी फाइट करना चाहते ब्रे वायट से, और ये चीज दोस्तों आज उन्होंने फिर से मेंशन की। जहां दोस्तों उन्होंने ब्रे वायट को ये चीज लिख दी, आई एम योर फादर, यानी कि बच्चे हम तुम्हारे पापा है। और ब्रे वायट दोस्तों इसे काफी इजी नहीं लेने वाले। अगर बुगीमैन दोस्तों डब्ल्यू में आते हैं ना, स्मैकडाउन में आते हैं ना, तो बहुत गंदे पिटेंगे, बहुत तगड़ी पिटाई होगी ब्रे वायट से, क्योंकि यहाँ उन्होंने खुद को बाप बता दिया उनका। बात कर लेते दोस्तों अब अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। तो यहाँ दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज दोस्तों इसे फिर से मेंशन किया गया है। और यहाँ दोस्तों 788 दिन कंप्लीट हो चुके हैं ट्राइबल चीफ को एज ए यूनिवर्सल चैंपियन। वेल बात की जाए ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शायद से जो टाइटल रेन है 1000 दिन तक जाएगा, और उसी के बाद दोस्तों रोमन रेंस हारेंगे। बात कर लेते दोस्तों अब अपने शेमस की। तो शेमस जो है दोस्तों वो काफी समय से नहीं दिखाई दे रहे हैं, और रीजन है दोस्तों उनका इस हफ्ते इंजर्ड होना। तो काफी समय से, मेरा मतलब दोस्तों ना ही वो लाइव इवेंट्स पर आए हैं, ना ही दोस्तों हमने उनकी कोई झलकी रॉ में देखी। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों शेमस इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये इंजरी नकली है। अब आप बोलेंगे तुझे कैसे पता? तो दोस्तों बताया ये जा रहा है कि शेमस की शादी होने वाली है, ऐसे में एक तरीके का बहाना टकाया गया है। और दोस्तों जो ये नॉन फ्रैक्चर इंजरी बताई जा रही है, कुछ भी नहीं है। शेमस ने दोस्तों इसबेला नामक युवती से विवाह करना है, जिसकी तस्वीर दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इनकी शादी दोस्तों बताई जा रही है कि इस वीकेंड होने वाली है। तो शेमस को दोस्तों यहाँ मैं कांग्रेस कहूँगा, आप भी कह सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वह जुड़ी दोस्तों चेल्सी ग्रीन से। तो चेल्सी ग्रीन के बारे में मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि ये जैक राइडर की पत्नी है या फिर गर्लफ्रेंड में से कोई एक है। तो गाइज जो भी ये महिला है चेल्सी ग्रीन, जो कि पास्ट में हम लोगों ने देखी भी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जैसे निकाल दिया गया था पेंडेमिक एरा के दौरान, वो रिटर्न करने वाली है। इंपैक्ट रेसलिंग के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका है, बताया जा रहा है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू इंसाइडर बताया जा रहा है कि ये जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाई देगी। अब कौन से ब्रांड में आएगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर आएगी। बात कर लेते दोस्तों अपने फिन बैलर की, जिन्होंने दोस्तों एक ह्यूज थिंग टीज की है। तो जजमेंट डे वर्सेस ब्लड लाइन टीज हुआ है। हुआ क्या दोस्तों कि फिन बैलर ने एक फोटो अपलोड किया, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों ज्यादातर वो चैंपियनशिप्स जो कि दोस्तों ब्लड लाइन के पास है, वुमेन चैंपियनशिप्स को छोड़कर दोस्तों, और यूएस चैंपियनशिप को छोड़कर बाकी की चैंपियनशिप दोस्तों ब्लड लाइन के पास है। लेकिन फिन बैलर यहाँ दोस्तों इस एडिटेड पिक में दिखा रहे हैं कि उन्हें ये चैंपियनशिप चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो वॉर गेम में एक ऐसा मैच टीज कर रहे हैं जो कि हो भी सकता है, और यहाँ दोस्तों फिन बैलर को बनना है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अब इस पर आप क्या टिप्पणी कीजिएगा? मेरे हिसाब से काफी समय हो चुका है कि फिन बैलर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। बात कर लेते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वह जुड़ी है दोस्तों हमारे लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो गाइस जॉन मॉक्सली को कंपेयर कर दिया है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ। तो हुआ क्या दोस्तों कि हाल ही में जो जिम रॉस है, जो कि दोस्तों कॉमेंटेटर है AEW में, उन्होंने दोस्तों क्या चीज लिखी है, वो चीज लिखी है जॉन मॉक्सली इज ऑस्टिन इज लव हिज गेम। तो ऑस्टिन इज करके दोस्तों उन्होंने कंपेयर कर दिया ऑस्टिन के साथ, क्योंकि जॉन मॉक्सली का अभी एटीट्यूड कुछ कुछ ऑस्टिन के जैसे है, 90s के ऑस्टिन के जैसा है। तो कहीं ना कहीं जिम रॉस ने दोस्तों एक डिबेट शुरू कर दिया है, क्या आपको भी दोस्तों जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस को देखकर फील आती है स्टीव ऑस्टिन जैसी? ये मुझे जरूर बताएगा अगर आप मॉक्सली के फैन है, अगर नहीं है तो बताना जरूरी नहीं है। पर हाँ दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उनसे ऑस्टिन की फील आती है। कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। मेन खबर पर जाने से पहले दोस्तों बात करते हैं एक बोनस अपडेट की, जो कि जीरो न्यूज की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। डब्ल्यू वालों के सामने दोस्तों एक आइडिया पिच किया गया है क्रिएटिव हेड्स के द्वारा, और वो है 40-man रॉयल रंबल करवाने का। तो 40-man रॉयल रंबल जितना मुझे याद है आज से कई साल पहले हुई थी, और उसमें अल्बर्टो डेल रियो जीते थे। ऐसे में दोस्तों जीरो न्यूज वालों का मानना यह है कि इनिशियल स्टेज पर दोस्तों इस आइडिया को सामने रखा गया है, और इस पर दोस्तों HHH विचार कर रहे हैं। अगर दोस्तों आइडिया पास हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर दोस्तों आप लोगों को 30-man नहीं बल्कि 40-man रॉयल रंबल देखने को मिलेगी। जहां दोस्तों बात की जाए रॉयल रंबल की, तो जितने ज्यादा कंटेस्टेंट उतना ज्यादा मजा। बात करें तो दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ट्राइबल चीफ वर्सेस लोगन पॉल से। तो दोनों ने दोस्तों स्मैकडाउन से पहले एक दूसरे पर शॉट ले लिया, कल लोगन आएंगे कि नहीं इस चीज के ऊपर तो दोस्तों कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। लेकिन हाँ यहाँ दोस्तों लोगन पॉल ने ये चीज लिखी है, ये हफ्ता मेरे भाई के लिए और मेरे ये काफी बड़ा होने वाला है। वो UFC के फॉर्मर चैंप एंडरसन सिल्वा को फेस करने वाला है इस वीकेंड पर,
और मैं रोमन रेंस को फेस करने वाला हूँ, जिस पर दोस्तों रोमन रेंस ने एक पूरा का पूरा दोस्तों आप कह सकते हैं स्टोरी डाला है, और उस स्टोरी में दोस्तों क्या चीज़ लिखे हैं, उस स्टोरी स्लैश दोस्तों ट्वीट पे लिखे हैं अक्रॉल इज द ब्लड लाइन टुमारो नाइट ऑन FS1, यानी कि दोस्तों साफ कर रहे हैं कल आने वाले हैं और कुछ बड़ा करने वाले हैं, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वीडियो आज कितनी इसी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वाले दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।